दोस्तों, जब घर जाने के लिए सफर शुरू होने वाला हो, अपनों से मिलने का फासला बस कुछ घंटों का रह गया हो, ऐसे में खुद गाड़ी से उतरकर दूसरों को घर जाने देना अपने आप में बड़ी कुर्बानी है। पलामू के रहने वाले दो मजदूर भाई विनोद और निरंजन यादव उन दो साथियों के ऐसे ही कुर्बानी को ताउम्र याद रखेंगे जिन्होंने गुमनाम रहकर उनकी मदद की। दरअसल आकाशीय बिजली की चपेट में आकर विनोद और निरंजन की प्यारी बहन की मौत हो गई थी। मौत से दुखी दोनों भाई घर जाना चाहते थे, लेकिन श्रमिक स्पेशल ट्रेन में पैसेंजर लिस्ट में नाम न मिलने पर मायूस हो गए। मदद के लिए इधर उधर भटकने लगे। उन्होंने अधिकारियों के सामने मदद के लिए हाथ जोड़े और बताया कि उनका घर जाना बहुत जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि घर पर सभी को उनकी जरूरत है, लेकिन अधिकारी भी दोनों की मदद के लिए असहाय नजर आए। इसके बाद अधिकारियों ने दूसरे यात्रियों से अपील की और पूछा कि अगर कोई अपनी सीट दे सकता हो तो। तब जाकर दो मजदूर सामने आए जिन्होंने अपनी सीटें उन भाइयों के लिए छोड़ दी। दोनों मजदूरों का घर जाने का इंतजार और लंबा हो गया, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी मदद के बाद भी अपना नाम जाहिर करने से इनकार कर दिया। अधिकारियों ने भी उन दोनों मजदूरों की पीठ थपथपाई। ऐसे वक्त में जहां मजदूर अपने घरों को लौटने के लिए इतने बेचैन और बेकरार हैं, वहां एंड टाइम पर अपनी सीट छोड़ देना कोई मामूली बात नहीं। दोस्तों, बहुत बड़ा दिल चाहिए इसके लिए। इन गरीब मजदूरों ने ऐसा करके साबित कर दिया कि वो दिल के बहुत अमीर हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन दो मजदूरों को भी जल्द से जल्द दोबारा टिकट मिल जाए और ये भी अपने वतन लौट सकें। इन दोनों मजदूरों के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।